सुश्रुत जी ने और क्या किया, सुश्रुत जी ने अद्भुत उपकरण बनाए। उपकरणों में क्या है, नलिकाएं हैं, चाकू हैं, काटने वाले उपकरण हैं, सीने वाले उपकरण हैं, जोड़ने वाले उपकरण हैं, खुरचने वाले उपकरण हैं, अलग अलग सुइयां बनाई। सुश्रुत ने 300 प्रकार के अलग अलग ऑपरेशन की खोज की। अपनी सुश्रुत संहिता में उन्होंने इसकी चर्चा की है। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में सुपर स्पेशलिटी डेवलप की और उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के अद्भुत आश्चर्यजनक ऑपरेशन करके दिखाए। सुश्रुत ने आंख का ऑपरेशन करके दिखाया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने का काम सुश्रुत ने किया है। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की पूरी टेक्निक डिटेल से लिखी हुई है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने शल्य चिकित्सा से सिजेरियन ऑपरेशन का ज्ञान उनको था। सिजेरियन ऑपरेशन से कोई गर्भ में बच्चा मर गया है, मां की जान बचानी है, गर्भ में बच्चा मर गया तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उस गर्भ में मरे हुए बच्चे को निकालने की विधियों से लेकर यदि कोई बच्चा बाहर नहीं आ रहा तो उसका सिजेरियन कैसे करें, वो ज्ञान सुश्रुत ने हमें दिया है। आपने इतिहास में एक राजा का नाम सुना होगा, बिंदुसार का। बिंदुसार को बिंदुसार क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उनकी मां की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई थी, सिजेरियन डिलीवरी की गई थी और सिजेरियन डिलीवरी करते हुए उनके शरीर के ऊपर एक घाव हो गया था, उस घाव के कारण उनका नाम बिंदुसार पड़ा था। तो सुश्रुत जी और क्या करते थे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना और टूटी हुई हड्डियों का पता करना, इसमें उनकी विशेष एक्सपर्टीज थी। सुश्रुत और क्या करते थे कि सर्जरी के अंदर जो दर्द होता है, देखिए यूरोप में 500 साल पहले क्या होता था कि सर्जरी के नाम पर घोड़े पर बैठकर एक कसाई आता था, वो कसाई एक लंबा सा चोगा एक कोट पहने होता था, उस कोट के ऊपर वो जो चाकू के उपकरण है उनको कोट की जेब में रखता था और कोट की जेब में किसी की सर्जरी करनी होती थी तो चार आदमी उसको आगे किसे पकड़ते थे, चार पीछे से पकड़ते थे, उसके घाव की सर्जरी करके उसको काट दिया जाता था और उस चाकू को, उस सर्जरी करने वाले चाकू को कहीं उबाला नहीं जाता था, उस चाकू को वो सर्जन वैसे ही अपने कोट के ऊपर जैसे उस्तरे को ना ही पोंछता ऐसे ही पोंछ लेता था और उसी उपकरण से दूसरे व्यक्ति की सर्जरी कर दी जाती थी। तो एविडेंस ये बताते हैं कि 100 में से 90 लोगों का इन्फेक्शन होने से उनकी डेथ हो जाती थी और 500 साल पहले तक बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, संक्रमण कैसे फैलता है, इसका कोई ज्ञान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का परोकार करने वाले यूरोप को नहीं था। 300 साल पहले जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ उससे पहले भी 17वीं शताब्दी तक वो ये सोचते थे कि मांस के रखे हुए शोरबे में, खाने में यदि जीवाणु कीटाणु पैदा हो गए तो ये जीवाणु कीटाणु कहां से आए होंगे, ये हवा से आए या इस शोरबे के अंदर थे, मतलब उनके अंदर ये अवधारणा ही नहीं थी। हमारे यहां सूक्ष्म जीवों को लेकर बहुत गहरी अवधारणा थी और आचार्य सुश्रुत ने 3000 साल पहले ये बताया है कि किस प्रकार से यदि कोई चोट लग जाए तो पट्टी कैसे बांधे और पट्टी भी कोई एक प्रकार की नहीं, 24-24 प्रकार की, 30-30 प्रकार की पट्टी बांधने की कला। और वो कहते हैं कि यदि कोई चोट हो गई, घाव हो गया तो घाव को बांधने से क्या होता है, वो कहते हैं कि घाव को यदि आप बांधोगे नहीं, उसके ऊपर पट्टी नहीं करोगे तो क्या होगा, सूत्र में वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि वर्ण के ऊपर, घाव के ऊपर पट्टी नहीं बांधने से जख्म के ऊपर, चोट के ऊपर मक्खी मच्छर, कोई तिनका तृण, कोई काष्ठ, कोई लकड़ी का कांटा, लकड़ी का कोई पाषाण, कोई पत्थर की कंकर, कोई पत्थर का चूरा, कोई धूल, कोई ठंड, कोई वायु, धूप आदि से जो घाव है वो संक्रमित हो सकता है। इसलिए जो घाव है, जो वर्ण है, उसका बंधन जरूर करें। अगर संक्रमण से बचाना है, जल्दी घाव को ठीक करना है और उपद्रव ना हो, इन्फेक्शन ना हो, तो उसके लिए घाव का बंधन करें और जब वो सूख जाए तो फिर उनका बंधन करने की आवश्यकता नहीं। फिर वो कहते हैं बंधन करने के लाभ क्या है, वो कहते हैं बंधन जो क्रश किया हुआ घाव है, जो मथित किया हुआ घाव है, जो फ्रैक्चर है, जो अलग अलग प्रकार से घाव हो गए हैं, जिसका अस्थि, जिसका सिरा स्नायु कट गए हैं, बंधन करने से ये सारे रोग जल्दी ठीक होते हैं। बंधन करने से, पट्टी बांधने से जो रोगी है वो सुखपूर्वक सोता है, बंधन करने से रोगी सुखपूर्वक चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, सैया और आसन पर उसको आराम मिलता है और जो घाव है वो जल्दी बढ़ता है। अच्छा, फिर केवल बंधन के ऊपर आचार्य सुश्रुत इतनी बात नहीं करके रुकते। 500 साल पहले संक्रमण क्या होता है इसकी समझ नहीं थी यूरोप में,
500 साल से पहले, 2500 साल पहले आचार्य सुश्रुत को बहुत समझ है कि एक सर्जन के जो यंत्र हैं वो अच्छी धातु के, इस्पात के बने हों, अच्छी धातु के बने हों, और वो जो धातु है उसके ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए, ये उनको 2500 साल पहले बना है। उनको ये पता है कि यदि सर्जरी करने का कोई यंत्र है तो उसको सर्जरी करने से पहले पूर्व कर्म में भली प्रकार से उसको उबालना चाहिए, पश्चात कर्म में सर्जरी करने के बाद यंत्र को अच्छे से स्टरलाइज करना चाहिए, उबारना चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत 2500 साल पहले कहते हैं। फिर वो घाव के बारे में, घाव के ऊपर पट्टी बांधने का क्या लाभ है, वो इसकी बात करते हैं कि संक्रमण से बचाव होता है, धूल से बचाव होता है, मिट्टी से बचाव होता है, मक्खी मच्छर से बचाव होता है, किसी प्रकार के तिनके से बचाव होता है, काष्ठ से बचाव होता है, पाषाण से बचाव होता है, वायु से, धूप से बचाव होता है, और संक्रमण से बचाव होता है। फिर वो आगे क्या कहते हैं कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनको बांधना नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं कि जो वर्ण पित्तज, रक्तज और अभिघातज और विषज हो, जिनमें शोफ हो, दाह हो, पाक हो, राग हो आदि वेदनाओं से ग्रसित होते हैं, और जो क्षार एवं अग्नि से उत्पन्न होते हैं, जैसे कोई जल गया तो जलने वाले रोगी के लिए सुश्रुत नहीं कहते कि उनको पट्टी बांधनी है। मतलब 2500 साल पहले उनको पता है कि किसी रोगी को यदि जल गया है रोगी तो उसको पट्टियां नहीं बांधते, जिसका मांस सड़ गया है, बिखर गया है, उसका बंधन नहीं करना चाहिए। कुष्ठ रोगियों के लिए भी वो 2500 साल पहले लिखते हैं कि ऐसे कुष्ठ रोगी जिनका व्रण अग्निदग्ध हो गया हो, मधु मेहियों की पीड़िकाएं, कर्णिक व्रण, विषज चूहे रेट आदि की जो व्हाइट होती है उसके कारण जो जख्म बना, जो विषज वर्ण है, जिन वर्णों में मांस गल गया हो, और गुदपाक जो दारुण हो, वो बंधन करने योग्य नहीं होते। मतलब 2500 साल पहले ये चिंतन उनके पास था। और क्या करते थे सुश्रुत? हड्डियों को जोड़ने की, हड्डियों की पहचान करने की, हड्डी कितनी जगह से, किस किस प्रकार से हड्डियों का अक्षी भग्न होता है, उसके बारे में रिसर्च करने का काम सुश्रुत करते थे। इसके अलावा जब सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करते हुए रोगी को कष्ट ना हो, इसके लिए रोगी को जो एनेस्थेसिया दिया जाता है, उस एनेस्थेसिया के ऊपर भी आयुर्वेद में सुश्रुत ने बड़ा काम किया है। वो कहते हैं कि सुश्रुत जब रोगियों को सर्जरी करते थे तो सर्जरी करते हुए उनको एनेस्थेसिया देने के लिए अलग अलग प्रकार के औषधियों के आसव प्रयोग करते थे, जिनको आधुनिक भाषा में हम मद्य भी कह देते हैं, लेकिन उस समय के जो मद्य होते थे, जो आसव होते थे, जो संज्ञा हरण का काम करते थे, वो आज की अल्कोहल वाली शराब की तरह नहीं होते थे, और वो उस समय भांग इत्यादि का प्रयोग करके भी एनेस्थेसिया का काम करते थे। संज्ञा हरण एनेस्थेसिया के भी पितामह, फादर कोई कहा जाता है तो वो सुश्रुत को कहा जाता है। सुश्रुत को मोटापे के बारे में पूरी जानकारी थी, सुश्रुत को डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी थी। आचार्य सुश्रुत की जब हम बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि पूरी दुनिया में उन्होंने सबसे पहले जो सर्जरी की, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे वो पोस्टमार्टम करते थे, कैसे वो शवों को किस प्रकार से पोस्टमार्टम किया जाए, किस प्रकार से शव का डाइसेक्शन किया जाए, उसके लिए कैसे उसको संरक्षित किया जाए, कैसे उसके ऊपर रिसर्च की जाए, वो काम करते थे। सुश्रुत संहिता को दुनिया के अधिकतर वैज्ञानिक सबसे पुराना ग्रंथ मानते हैं, और जैसा हमने कल बातचीत की थी कि 8वीं शताब्दी में इसे हमारे संस्कृत के ग्रंथ को, देखिए भारत ऐसा देश है जहाँ पर सदियों से 2500, 3000, 5000 सालों से पूरी दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान लेने के लिए आते रहे। अगर मैं भेनसांग की बात करूँ तो आज से 1400-1500 साल पहले वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में आया, और वो जो चीन से आया तो दर्रों को, पठारों को, पहाड़ों को पार करता हुआ वो यहाँ पर पहुंचा, और यहाँ पर जब वो पहुंचा तो यहाँ पर पहुंचते हुए उसके राजा की उसको अनुमति नहीं थी, राजा की ओर से परमिशन नहीं थी, तो वो राजा की परमिशन के बिना यहाँ आया और ये सोच कर आया कि मैं जिंदा कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक इच्छा थी कि जिस बौद्ध धर्म को हम मानते हैं, उस बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र है, जिस ज्ञान विज्ञान को हम मानते हैं, उस ज्ञान विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र जो नालंदा है, मैं किसी तरह उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ लूं। तो वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री आया, वो चीनी यात्री यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए आया था। उस चीनी यात्री ने यहाँ से सैकड़ों ग्रंथों की कॉपी की। वेनसांग की डायरी में वेनसांग ये लिखता है कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को मैं देखता हूँ, ये नालंदा विश्वविद्यालय
कि नीचे खड़े होकर जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि इसकी जो लाइब्रेरी है, इसकी जो इसका जो पुस्तकालय है वो बादलों से बातें करता है, बादलों जितना ऊंचा है। 7 मंजिला पुस्तकालय नालंदा का वेनसांग अपनी डायरी में लिखता है। वो आगे लिखता है कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां हैं, अलग अलग विषयों की, खनिज विज्ञान की, धातु विज्ञान की, मेडिसिन की, सर्जरी की, नक्षत्र विज्ञान की, एस्ट्रोलॉजी की, वेद की, दर्शन की, उपनिषद के साथ साथ जितना हथियारों का, आयुधों का विज्ञान है, जितना जल का विज्ञान है, पानी का विज्ञान है, मिट्टी का विज्ञान है, वृक्ष का विज्ञान है, पेड़ पौधों की किस प्रकार से रक्षा करें, किस प्रकार से घोड़ों की रक्षा करें, किस प्रकार से पशुओं की रक्षा करें, उनको कैसे आयुर्वेद दें, उन सारी जीवन के जितने पहलू हो सकते हैं उन सारी विद्याओं की पांडुलिपियां उसमें होती थी। और वेनसांग उस समय वो कहता है कि मैं यहाँ पर 10-12 साल तक रुका और 10-12 साल तक जितना मैं सीख सकता था उतना मैंने सीखने की कोशिश की, और उसके बाद जो ये ज्ञान विज्ञान है ये इतना ज्यादा है कि मैं सारे इस ज्ञान विज्ञान को नहीं ले जा सकता। तो उसने अपनी, क्योंकि उस समय फोटोकॉपी नहीं होता था, किताबें ऐसे हजारों की संख्या में नहीं छपती थी, एक पांडुलिपि होती थी, उस पांडुलिपि की प्रति विद्यार्थी को खुद बनानी पड़ती थी, प्रति बनाने के लिए उसको ताड़पत्र लेकर उन पत्रों को सुखाना पड़ता था, उन पत्रों को तैयार करना पड़ता था, तब जाकर वो एक पत्र उनके काम आता था, फिर कलम से वो किसी आचार्य के पास बैठकर उस पुरानी पांडुलिपि की प्रतिकृति बनाते थे, उसकी एक फोटोकॉपी बनाते थे, उसकी एक कॉपी बनाते थे। तो इस प्रकार से वेनसांग ये लिखता है कि मैंने कई दशकों में कई सौ पुस्तकों की पांडुलिपियों की प्रति बनाई, ज्ञान विज्ञान की प्रति बनाई, ताकि चीनी भाषा में इनका अनुवाद किया जा सके। वेनसांग की डायरी आज उपलब्ध है, और ये जो वेनसांग की डायरी है, मैं ये किस्सा खूब बताता हूं आपको। अगर मैं 1870 की बात करूं तो 1870 तक वेनसांग की डायरी तो थी कि मैं भारत में आया था, भारत में पटना से 200 मील दूर एक विश्वविद्यालय होता था, लेकिन वो एक अंग्रेज, उस अंग्रेज ने जब उस डायरी को पढ़ा तो उसने कोशिश की कि ये जो वेनसांग ने लिखा है झूठ तो नहीं लिखा होगा, ये कोई नॉवल तो नहीं है, कोई कहानियों की किताब नहीं है, इसने पटना की बात की है तो पटना के पास कोई ना कोई नालंदा विश्वविद्यालय रहा होगा, और इस नालंदा विश्वविद्यालय की क्यों ना खोज की जाए। तो उन्होंने पटना से 200 मील दूर जो उन्होंने बताया था, जितनी दूरी के ऊपर उन्होंने बताया था, जिस दिशा में बताया था उस दिशा में खोज की, तो उनको रेत के टीले मिले। उन रेत के टीलों की जब उन्होंने 10 साल तक उस अंग्रेज ने खुदाई की, तो 10 साल तक खुदाई करने के बाद वहां विश्वविद्यालय के खंडहर निकले। 4-4 मंजिला विश्वविद्यालय के खंडहर बिल्कुल रेत में दब चुके थे। पूरे भारत में इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, कोई मानता नहीं था, और 1870 में अंग्रेज ये कहते थे कि भारत में कभी शिक्षा नहीं थी, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लगानी पड़ेगी। उस समय उस एक अंग्रेज की हिम्मत से जब नालंदा के खंडहर निकले तो पूरी दुनिया के सामने ये विषय गया, ये बात गई कि भारत तो ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से बहुत ऊंचा रहा है, और भारत के अंदर तो ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, जिसमें अलग अलग विषयों की का पूरा ज्ञान दिया जाता था। तो ये जब सबके सामने आया तो लोगों को मानना पड़ा कि भारत में कभी शिक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था रही है, और वेनसांग ने जो डायरी लिखी वो पूरी तरह सच है। तो वेनसांग की डायरी में हमें पता लगता है कि 90 लाख पांडुलिपियों के पन्ने, पांडुलिपियां केवल नालंदा के विश्वविद्यालय में थे। एक हमलावर 11वीं शताब्दी में आया, बख्तियार खिलजी नाम का। उस हमलावर को जब बीमारी लगी, उसने लाखों गांवों को लूटा, लाखों गांवों को जलाया, गुरुकुलों को जलाया, पांडुलिपियों को जलाया, और वो ये मानते थे कि हमारी जो आसमानी किताब है इसी में सारा ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, इसके अतिरिक्त और कहीं कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है। तो एक बार जब वो गंभीर तौर पर बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ने के बाद जब उसके हकीम, उसके वैद्य उसका इलाज नहीं कर पाए, तो उसको किसी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो सबसे बड़े आचार्य हैं, आचार्य राहुल जी, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो आपका इलाज कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य को बुलवाया, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य को बुलवाकर उसने कहा कि मुझे ये बीमारी है, इसका आप इलाज करो, लेकिन आप, तुम काफिर हो तो मैं काफिर की दी हुई दवा नहीं खाऊंगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य की उस समय की टेक्नोलॉजी देखिए कि उन्होंने उनसे कहा कि आप कुरान पढ़ते हैं, आपके लिए सच्चे मुसलमान है, तो आप मुझे कुरान दे दीजिए। और कुरान के पन्नों पर ऐसा लेप किया, ऐसी धूम्र चिकित्सा की कि आप सिर्फ कुरान के पन्ने पलटिए और कुरान के पन्ने पलटने से आप ठीक हो जाएंगे। तो उस बख्तियार खिलजी को कुरान
के ऊपर दवा लगाकर दी नैनो टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद उस पन्ने के पलटने से जब बख्तियार खिलजी का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो एहसान मानता, लेकिन उस बख्तियार खिलजी ने एहसान नहीं माना। उसने सोचा कि जब तक भारत में ऐसा ज्ञान विज्ञान है तब तक हमारी आसमानी किताब को कोई मानने वाला नहीं है, भारत के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता। तो वो अपने लाव लश्कर के साथ, सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा और उस 7 मंजिला पुस्तकालय के सामने खड़ा होकर उसने कुलपति को बुलाया और कुलपति को कहा कि तुम्हारे इस विश्वविद्यालय में जो पुस्तकें हैं उनमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसमें अलग अलग विषयों का ज्ञान है। तो उसने कुरान दिखाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे इस विश्वविद्यालय की इन पुस्तकों में वो ज्ञान है जो इस कुरान के अंदर है तो ठीक है, और अगर इन विश्वविद्यालय की पुस्तकों में वो ज्ञान है जो इस कुरान के अंदर नहीं है तो वो सारा गलत है। तो अगर इस विश्वविद्यालय की पुस्तकों में वो ज्ञान है जो कुरान के अंदर है तो हमें इतनी पुस्तकों की जरूरत नहीं है, अकेली कुरान काफी है, और इन पुस्तकों में वो ज्ञान है जो कुरान में नहीं है तो इसका मतलब वो सब झूठ है, वो सब काफिर है, उसको रहने का अधिकार नहीं है। और उसने 90,00,000 पांडुलिपियों को आग लगा दी। तो हमारा इतिहास, हमारा ज्ञान विज्ञान ऐसे नष्ट किया गया, ऐसे चलाया गया। उस ज्ञान विज्ञान के साथ, ये जो सर्जरी बनाने के उपकरणों के साथ साथ, धातु विज्ञान के साथ साथ कितना ज्ञान नष्ट हुआ होगा। और ये जो आक्रमण का दौर है, ये कोई एक बार, दो बार, पांच बार नहीं चला। भारत क्योंकि सोने की चिड़िया थी, भारत के अंदर ज्ञान विज्ञान था, तो अरब से, विदेशों से, दूसरे देशों से, अफगानी, तुर्की, ईरानी, पठानी, दुर्रानी, अरबी, पता नहीं कैसे कैसे रोमन हमलावर आते रहे, यमन आते रहे, अलग अलग हमलावर आते रहे और भारत को टारगेट करते रहे कि भारत के अंदर सोना बहुत है, भारत के अंदर चांदी बहुत है, भारत के अंदर धन वैभव बहुत है, तो हम भारत को लूटें, भारत को हम आगे बढ़ाएं, भारत को हम लूट कर किसी भी तरीके से अपने कार्य प्रणाली को आगे दें। तो इस प्रकार से आप देखिए कि एक हमलावर नहीं आया, 800 साल तक हमलावर आते हैं, 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर 17वीं-18वीं शताब्दी तक हमलावर आते हैं। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे ज्ञान की सारी परंपरा को नष्ट करने का काम किया, और एक हमलावर नहीं आया, एक गुरुकुल नहीं टूटा, एक पुस्तकालय नहीं जलाया गया। नालंदा जैसे 85 विश्वविद्यालय भारत के अंदर होते थे, और ऐसे विश्वविद्यालय होते थे जिसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। आज भी भारत में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें 10,000 विद्यार्थी रेजिडेंशियल पढ़ते हो। तो 10,000 विश्वविद्यालय में जिसमें विद्यार्थी पढ़ते हों, और केवल भारत के विद्यार्थी नहीं, आसपास के लगभग 20 देशों से जिस विश्वविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते रहे हों, तो आप कल्पना कीजिए वो विश्वविद्यालय कितना महान रहा होगा, कितना उसमें ज्ञान विज्ञान रहा होगा। तो जब हम बात करते हैं कि सुश्रुत की सर्जरी आज क्यों नहीं हो सकती, आज इसलिए नहीं हो सकती कि पिछले 1200 सालों में हमारे ज्ञान को, हमारे विज्ञान को, हमारी तकनीक को, हमारी समझ को रोंदा गया, उसको जलाया गया, उसको धिक्कारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया और हमारी ज्ञान की परंपरा को नष्ट कर दिया, हमारे गौरव को नष्ट कर दिया। तो सुश्रुत की हम बात कर रहे थे, आचार्य सुश्रुत दुनिया को पहली सर्जरी देने वाले हैं 8वीं शताब्दी में, जब अरबी लोगों को यह पता लगा कि भारत में बहुत बड़ा चिकित्सा का ज्ञान है, तो सबसे पहले सुश्रुत की किताब का अरबी में अनुवाद किया गया और किताबे सुश्रुत उसका नाम दिया गया। अरबी भाषा से होती हुई, रोमन से होती हुई हमारा ये जो ज्ञान विज्ञान है, जो 2500 साल पुराना, तो जिसको दुनिया के वैज्ञानिक मानते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि ये 2500 साल से भी बहुत ज्यादा पुराना है, इस ज्ञान विज्ञान को ले जाने के लिए लोगों ने इसका ट्रांसलेशन किया, इसकी चोरी की, इसको लेकर गए। आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी जो मूल सुश्रुत संहिता की पांडुलिपि है वो हमारे पास नहीं है, अमेरिका के एक म्यूजियम में वो पांडुलिपि है, और उस पांडुलिपि का जो नाम है वो बावर सुश्रुत संहिता है। बावर वो व्यक्ति था तजाकिस्तान में या तुर्किस्तान में, अरब के एक देश में, जब ये पांडुलिपि पाई गई तो इस पांडुलिपि को लेकर गया था वो, तो लेकर गया तो उसका नाम अपने नाम पर रख दिया। सबसे पुरानी प्रमाणिक पांडुलिपि 1890 में जो पाई गई वो इस पांडुलिपि को माना जाता है। तो हमारे पास तो अपने ग्रंथों की पांडुलिपियां नहीं है, हमारे भारत से लूट लूट कर पांडुलिपियों से लेकर सारे संसाधन। आज भी हम लंदन के म्यूजियम पे जाते हैं तो हमारे भारत का कोहिनूर वहां पर है, हमारे भारत के सोने चांदी के बर्तन, हमारे भारत के सिंहासन, हमारा तख्ते ताऊस, ये सब भारत से लूट लूट कर लेकर जाए। बहुत बार हम बातचीत करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा, तो अंग्रेजों ने भारत को लगभग 3300 लाख करोड़ रुपए की लूट तो केवल 150 सालों में की।
पूरी दुनिया के लोगों को जो खाना मिला है, इन 1200 सालों तक जो लूट होती रही, पूरे अरब के लोगों को का पेट भरने का काम हमने किया है। मोहम्मद गजनी जब लूटने के लिए आता था तो भारत से जब वो लूट कर लेकर जाता था तो उनके देश में वो 10-10 साल तक 20-20 साल तक टैक्स माफ कर देते थे, किसी से कोई लगान नहीं लेते थे। वहां के लोगों को जो खाना मिलता था वो भारत के ज्ञान से, भारत के विज्ञान से, भारत के लोगों के पुरुषार्थ से, भारत के लोगों की मेहनत की कमाई के लूट से मिलता था। तो सुश्रुत में, संहिता में मैं बात करूं तो 186 उसके अंदर चैप्टर है, और जो 186 चैप्टर है उसमें 1120 बीमारियों की चर्चा सुश्रुत ने की है। 700 जो औषधीय पौधे हैं उनके गुणों की बात की है कि कहीं कोई घाव हो गया तो किस पौधे को एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करना है, कहीं कोई चोट लग गई, कहीं कोई बेहोशी की हालत है तो कौन से पौधे का धूम्र करके उसके नासिका से उसको सुहाना है, कौन से पौधे का रस निकालकर कान में डालना है, कौन से पौधे का रस निकालकर नाक में डालना है, राइनोप्लास्टी करनी है तो उसके लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक का, जो नेचुरल एंटीबायोटिक है उनका प्रयोग करना है, तो इसके बारे में 700 पौधों के बारे में और खनिजों के बारे में भी। जब पूरी दुनिया खनिजों के नाम नहीं जानती थी तो 64 प्रकार के अलग अलग खनिजों से प्राप्त होने वाली औषधियों की चर्चा आचार्य सुश्रुत ने की। और केवल यही नहीं रुके, मानवता की रक्षा के लिए जंतु स्रोतों से आधारित 58 ऐसी औषधीय प्रक्रियाओं की, औषधीय चीजों की चर्चा आचार्य सुश्रुत अपने सुश्रुत संहिता में करते हैं। वो अलग अलग प्रकार की शल्य क्रियाओं की बात करते हैं। सुश्रुत संहिता की मैं बात करूं तो मैंने जैसे कल बात की थी कि वो ग्राफ्टिंग टेक्निक के मास्टर थे, प्लास्टिक सर्जरी के मास्टर थे, मोतियाबिंद तक को वो निकाल सकते थे उस समय। मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत कठिन सर्जरी मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसकी सर्जरी में सर्जन को चलाने के लिए जो हाथों की एक्यूरेसी चाहिए वो माइक्रोन में चाहिए, क्योंकि आंख का ऑपरेशन करना है तो वो मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने का काम आचार्य सुश्रुत आज से 2500 साल पहले करते थे। आचार्य सुश्रुत ने सैकड़ों प्रकार की चिकित्सा की बात की है। आचार्य सुश्रुत आगे वो कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने जो सर्जरी के बारे में बात की उसमें वो 125 प्रकार के सर्जरी के यंत्रों की बात करते हैं। हमने कल इस बातचीत की थी कि आचार्य सुश्रुत ये कहते थे कि अच्छा सर्जन कौन है, जो खड़े हुए बाल को भी दो हिस्सों में बराबर काट सके उसको सबसे अच्छा सर्जन माना जाता है, और जो सर्जरी के इक्विपमेंट है वो इतने महीन और इतने बारीक होने चाहिए, इतने एक्यूरेट होने चाहिए, इतने जंग रोधक होने चाहिए कि उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो, और वो इतने तेज हो कि खड़े हुए बाल को बारीक बाटों में बांट सके। अब आप कल्पना करिए कि जिस देश में यदि धातु विज्ञान नहीं रहा होगा, बिना जंग के उपकरण बनाने की कला नहीं रही होगी, तो उस देश में सर्जरी कैसे विकसित हुई होगी, बाल को बराबर कैसे काटा जाता हो, क्या कोई पत्थर के औजार बनाकर ये पढ़ाया जाता है कि पहले आदमी जंगल में रहता था वो किसी लकड़ी के डंडे के ऊपर पत्थर बांधकर पशुओं का शिकार करता था, तो क्या पत्थर के किसी हथियार से बाल के खड़े करके दो टुकड़े किए जा सकते हैं, क्या तांबे से किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा झूठ ये फैलाया जाता है कि भारत में पहले तांबा आया उसके बाद लोहे की खोज हुई। सुश्रुत के काल में ऐसा लोहा था जो आज की सबसे आधुनिक फैक्ट्री या मशीन नहीं बना सकती। आज भी लगभग 1200-1300 साल पहले का जो माना जाता है मेहरौली का लोह स्तंभ, उसका लोहा आज भी वैज्ञानिकों के लिए अचरज का विषय है कि इस लोह स्तंभ में जो लोहा लगा हुआ है उसमें 1200-1200 सालों से जंग क्यों नहीं लगा, और वो जो बिना जंग लगने वाला जो माइल्ड स्टील है, जो लोहा है, वो आज भी अच्छे से अच्छी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। तो सुश्रुत ने अपने समय में धातु विज्ञान इतना उन्नत था कि ऐसे अच्छे धातु के उपकरण उपलब्ध थे जिनमें किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगता था। सुश्रुत ने 125 प्रकार के सर्जरी के उपकरण, और उन्होंने जो सर्जरी की बात की है वो कितनी की है, उन्होंने 300 प्रकार की सर्जरी की बात की, मतलब कि 300 टाइप की अलग अलग सर्जरी। कहां की सर्जरी, सिर से लेकर पैर तक की सर्जरी। बच्चा मर गया तो सिजेरियन ऑपरेशन कैसे करना है, पेट के अंदर छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर कोई घाव हो गया, कैंसर जैसी कोई गांठ हो गई तो उसकी सर्जरी कैसे करनी है, मोतियाबिंद की सर्जरी कैसे करनी है, होठ कट गया तो होठ की सर्जरी कैसे करनी है, कान कट गया तो कान की सर्जरी कैसे करनी है, नाक काट दी किसी ने तो नाक की सर्जरी कैसे करनी है, ये करने का काम सुश्रुत करते थे। हम महाभारत युद्ध की बात करते हैं, महाभारत में रोज युद्ध होता था,
हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सैनिक घायल होते थे। घायल सैनिक रात को अपने शिविर में जाते थे जब युद्ध विराम हो जाता था, और युद्ध विराम होने के बाद जब वो शिविर में चले जाते थे तो उनमें से अधिकतर सैनिक जब सुबह होती थी तो दोबारा से भले चंगे हो जाते थे। इतना विस्तृत मेडिकल साइंस भारत के अंदर रहा है, और निश्चित तौर पर जो आधुनिक सर्जरी जिस ताश के पत्तों पर खड़ी है, जिस महल पर खड़ी है, वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अभी कल खबर आई कि अब जो बारिश हो रही है उस बारिश के अंदर बैक्टीरिया आ रहे हैं, और उस बारिश के अंदर जो बैक्टीरिया बरस रहे हैं उस बैक्टीरिया की जो प्रजाति है उन्होंने अपने आप को ड्रग रेजिस्टेंस कर लिया है, मतलब उसके ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। और पूरी दुनिया में यह भी मान लिया है कि अब दुनिया में जो 10-15 साल बाद जो युग आने वाला है वो पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा आने वाली है, मतलब एंटीबायोटिक जितने आविष्कार होने थे वो हो चुके, आगे कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आने वाला, और जो आज के एंटीबायोटिक हैं वो आदमी के ऊपर असर करना बंद कर देंगे, और वो जब असर करना बंद कर देंगे तो आधुनिक विज्ञान जिस सर्जरी को करता है वो सारी सर्जरी फेल होने वाली है, और विज्ञान को आयुर्वेद आधारित सर्जरी के ऊपर उसकी शरण में आना ही पड़ेगा, नहीं तो सर्जरी फेल हो जाएगी।